everyone. So now we are going to start with the second part of our investment accounting, and the variety for today is shares related. So we have completed all the varieties related to debentures and bonds. So I hope कि वो सारे लेवल्स आपके क्लियर होंगे. हमने सारे लेवल्स एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप व्हिच इज कॉल्ड एज शेयर्स रिलेटेड वैरायटी. अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स काफी इजी कैलकुलेशंस होता है, बिकॉज शेयर्स में आपको डिविडेंड पूरे साल में एक बार कैलकुलेट करना है. सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन में पॉइंट आएंगे. सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, देन वी विल हैव द परचेजेस, देन वी कैन हैव द बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट. देन वी हैव द राइट शेयर्स. राइट शेयर्स का मतलब जो भी एक्चुअल शेयर होल्डर्स होंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, उन्हीं ये राइट शेयर्स मिलेंगे. बट राइट शेयर्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको उसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे जितने उनके राइट्स हैं. देन वी आर गोइंग टू पे द डिविडेंड. तो डिविडेंड में हमें दो चीजें देखनी है, एक होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड और एक होता है हमारा नॉर्मल डिविडेंड. वो हम कैलकुलेट करते वक्त मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या करना है. एंड लास्ट पॉइंट इज सेल. तो यही सीक्वेंस में हमारे पॉइंट्स आएंगे. इसके बाहर के पॉइंट्स आपको शेयर्स में ध्यान नहीं रखने हैं. परचेसेस वी मे हैव टू परचेस, वी मे हैव थ्री परचेस, देन वी कैन हैव बोनस. जो पॉइंट नहीं है वो पॉइंट हम नहीं लिखेंगे. अब सबसे पहले फॉर्मेट की अगर बात करें, तो अगर हम फॉर्मेट की बात करें, देखो पूरा फॉर्मेट सेम टू सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है. जैसे हम डिबेंचर्स में पॉइंट लिखते थे फेस वैल्यू, तो नाउ वी आर गोइंग टू राइट नंबर ऑफ शेयर्स. देन वी यूज टू राइट इन द डिबेंचर्स एज इंटरेस्ट, नाउ वी आर गोइंग टू राइट डिविडेंड. तो ये दो कॉलम चेंज हो गए अभी, डेट पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड और कॉस्ट. सिमिलरली डेट पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड एंड कॉस्ट. तो इसी बेसिस पे हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है. देखते हैं, काफी इजी है. जैसे डिबेंचर्स में कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, बहुत सारे कैलकुलेशन थे, वैसे यहाँ पे नहीं है. तो शेयर्स का वैरायटी अगर हम कंपेयर करें तो इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू सॉल्व, बिकॉज थोड़े से स्टेप सिमिलर है, बट हम लोग बार बार डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. ऑन 1 अप्रैल 2019, मिस्टर सुमित होल्ड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ कॉस्ट ऑफ 1,80,000. तो इफ यू सी, डिबेंचर्स के लिए हमारा फेस वैल्यू 100 होता था, अब शेयर्स के लिए हमारा फेस वैल्यू क्या होगा, 10 होगा. वो ध्यान में रखना आपको. सबसे पहले मैं डेट डाल रहा हूँ डेबिट साइड में, 2019 हमारा डेट है 1 अप्रैल, और यहाँ पे हम लिखेंगे अभी ओपनिंग बैलेंस. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो हाउ मेनी शेयर्स वी हैव परचेज और वी हैव इन द क्वेश्चन. सो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब ये ऑलरेडी सुमित के पास थे 20,000. तो अब आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, नंबर ऑफ शेयर्स में डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स ही लिखने हैं 20,000. डिविडेंड में लिखना है डैश, बिकॉज डिविडेंड कंपनी साल में एक ही बार पेमेंट करेगा, तो इसलिए बार बार हमको डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करना है. उसका कॉस्ट कितना दिया था आपको, दैट वॉज 1,80,000. सो काफी ईजी है. अगर यही हम डिबेंचर्स की बात करें या बॉन्ड्स की बात करें, तो वी यूज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट. तो थोड़ा सा टिपिकल और कैलकुलेटिव था. नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं. देखो ओपनिंग बैलेंस हो चुका है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा परचेजेस हो सकता है. सो लेट अस रीड. ऑन 1 जुलाई 2019 ही परचेज 5,000 शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी एट ₹22 पर शेयर. तो ही हैज परचेज. तो जुलाई फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट. परचेज के लिए हम क्या लिखते हैं, टू बैंक. सेल के लिए हम क्या लिखते हैं, बाय बैंक. फाइन, कितने शेयर्स परचेस किए, 5,000 22 के रेट में परचेस किए. तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स में सेम लिख देंगे 5,000, डिविडेंड में डैश लिखेंगे 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 22. सो 5,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो दैट कम्स टू 1,10,000. ठीक है, काफी इजी है, ओनली मल्टीप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट. सो ओपनिंग बैलेंस हमारा हो चुका है. Purchases, मैंने आपको बताया था कि purchases can be more than one also. So let us read from the question. यहाँ पे एक purchase है, then 1st August को the directors allotted bonus shares of 10 each in the ratio of every 5 shares held. तो bonus shares दे रहे हैं, तो मैं आपको bonus shares के लिए working note बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से bonus shares को हमें solve करना है. तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ bonus shares. काफी easy है, only calculation is important. ठीक है, बोनस शेयर्स दो पॉइंट ध्यान रखने, एक होता है हेल्ड और दूसरा होता है इशूड. ठीक
है, जितने हेल्ड है जितना इशूड है एक बार चेक कर लेते हैं। एडजस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट। ऑन 1st August 2019 द डायरेक्टर्स अलॉटेड बोनस शेयर्स ऑफ 10 ईच इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। सो 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, तो हेल्ड के सामने क्या लिखना है? 5 लिखना है। इशूड के सामने क्या लिखना है? 1 लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि जिनके पास 5 शेयर्स रहेंगे उनको कंपनी 1 शेयर बोनस देगा, फ्री में देंगे। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास कितने शेयर्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम चेक करें, 20,000 + 5,000, तो उसके पास सुमित के पास कितने शेयर्स है? 25,000। तो 5:1, 25,000 इज टू क्वेश्चन मार्क। वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 25,000 × 1 डिवाइडेड बाय 5, तो दैट आंसर विल बी 5,000। तो कितने शेयर्स मिलेंगे उसे? 5,000 बोनस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो 5,000 बोनस शेयर्स इज गेटिंग। सो डेबिट साइड में अभी डेट लिख रहा हूं, August 1st का डेट है, तो डेबिट साइड में वी विल राइट बैंक नहीं लिखना है बिकॉज फ्री में मिल रहा है। टू बोनस शेयर्स, कितने शेयर्स मिले? 5,000। डिविडेंड में डैश, कॉस्ट में डैश। व्हाई कॉस्ट में डैश? बिकॉज बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए बोनस में कभी भी कॉस्ट नहीं आएगा, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। ऑन 30 नवंबर 2019 राइट शेयर्स वेर इशूड एट द रेट ₹15। तो हमने ट्रिक लिया था बोनस शेयर्स के बाद राइट शेयर्स आएगा, यहाँ पे भी राइट शेयर्स है। तो राइट शेयर्स वेर इशूड एट द रेट 15 पर शेयर इन द रेशियो ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। यहाँ पे भी रेशियो है। आगे बोला है ही सब्सक्राइब फॉर 60% ऑफ हिज राइट्स एंड सोल्ड द बैलेंस। तो इसके लिए भी वर्किंग नोट लेंगे। सबसे पहला स्टेप राइट शेयर्स का वर्किंग नोट बना के दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। सेम पॉइंट हम राइट शेयर्स में भी सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज राइट शेयर्स? राइट शेयर्स आर इश्यूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एज पर द रेशियो। सो अगेन सेम आई एम राइटिंग, हेल्ड इज टू इश्यूड। ठीक है, क्या रेशियो दिया था? 3 के बदले में 2। एक बार चेक कर लेते हैं सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। कि क्वेश्चन में बोला था 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, तो मैंने हेल्ड के सामने लिखा 3, इशूड के सामने लिखा 2। अभी हमारे पास कितने शेयर है? अगेन आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। 20,000 + 5 = 25, 25 + 5 का बोनस मिला तो दैट बिकम्स 30,000। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000 = ? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 30,000 × 2/3, सो यू विल गेट द आंसर एज 20,000 शेयर्स। मतलब सुमित के पास 20,000 शेयर राइट शेयर्स परचेस करने का राइट है। अभी वो कितना परचेस कर रहा है दैट डिपेंड्स ऑन हिम, तो उसके बेसिस पे हम अभी कैलकुलेट करेंगे। देखो क्वेश्चन में ध्यान से चेक कर लेते हैं उसने कितना सब्सक्राइब किया है। सो ही सब्सक्राइब्ड फॉर 60% ऑफ हिज राइट्स एंड सोल्ड द बैलेंस एट ₹5। तो उसने कितना सब्सक्राइब किया है? उसने 60% सब्सक्राइब किया है, तो 60%, तो 20,000 का आपको कैलकुलेट करना है 60%, तो दैट कम्स टू 12,000 एट द रेट ₹15 से उसने सब्सक्राइब किया है। अगर 20,000 में से 60% गया तो यहाँ पे कितना परसेंट बचेगा? 40%, तो दैट विल बी 8,000। ये उसने सोल्ड कर दिया एट द रेट ₹5 में। ठीक है, लेकिन ये जितना भी वो सोल्ड करेगा वो सोल्ड का हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। वी विल बी कैलकुलेटिंग ओनली और वी आर गोइंग टू पास द एंट्री ओनली ऑफ द सब्सक्रिप्शन। इसका एंट्री एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, जितना भी राइट शेयर सोल्ड होता है वो सीधा हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे उसका एंट्री नहीं होगा। तो हमें सिर्फ ये 12,000 का एंट्री करना है। ये ध्यान से देखना, जितना सब्सक्राइब करता है उसी का एंट्री होता है, जितना वो सोल्ड करेगा उसका एंट्री हमें नहीं करना है। लेट अस फाइंड आउट दैट डेट क्या है। नवम्बर 30 का डेट था, यहाँ पे लिखेंगे 2 राइट शेयर्स। ओके, कितने राइट शेयर्स परचेस किए? 12,000, उसके पास सब्सक्रिप्शन वाला डैश, क्या रेट था? ₹15, तो 12,000 × 15 दैट कम्स टू 1,80,000। तो राइट शेयर्स भी डन हो चुका है। अब राइट शेयर्स के बाद अगला स्टेप क्या आना चाहिए? डिविडेंड आना चाहिए। अब डिविडेंड के लिए देखते हैं। ऑन 31st December 2019 कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट द रेट 20%। तो 20% डिविडेंड कंपनी को मिलेगा।
इसका भी वर्किंग नोट है, ध्यान से समझना, वर्किंग नोट यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ। सो डिविडेंड, नाउ वी आर प्रिपेरिंग द वर्किंग नोट ऑफ डिविडेंड। सिंपल कैलकुलेशन है ऑन ओपनिंग बैलेंस एंड नेक्स्ट लाइन में ऑन परचेज, बस इतना ही आपको कैलकुलेट करना है। कितना था हमारा ओपनिंग बैलेंस? हमारा ओपनिंग बैलेंस था 20,000 शेयर्स, ठीक है, 20,000 शेयर्स थे। हमें अमाउंट ढूंढना है, इनटू एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज, तो 20,000 इनटू 10, तो अमाउंट आ जाएगा 2 लाख, फाइन। परचेज कितना किया था उसने? परचेज उसने किया था 5,000, बोनस और राइट शेयर नहीं लेने उसने। 5,000 इनटू फेस वैल्यू अगेन 10, सो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 50,000। ओके, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द डिविडेंड, वेरी सिंपल। व्हाट इज द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन इन द क्वेश्चन? द रेट ऑफ डिविडेंड इज 20%, तो 2 लाख के ऊपर 20% आपको काउंट करना है, तो ये आ जाएगा 40,000, ठीक है। 50,000 के ऊपर भी 20% आपको काउंट करना है, सो दैट विल बी 10,000। नाउ रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम सेइंग, सो ओपनिंग बैलेंस पे जो भी हम डिविडेंड ढूंढेंगे, ओपनिंग बैलेंस पे जितना भी डिविडेंड ढूंढा जाएगा, ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड हमें लिखना है डिविडेंड कॉलम। विच कॉलम? डिविडेंड कॉलम, क्रेडिट साइड, बिकॉज वी आर रिसीविंग डिविडेंड, ठीक है। और ये जो डिविडेंड है हमारा 10,000, ये डिविडेंड हमें लिखना है कॉस्ट कॉलम, बिकॉज दिस इज प्री एक्विजिशन। परचेस करने से पहले का डिविडेंड, सो जो भी हम परचेस पे डिविडेंड ढूंढेंगे वो हम कौन से कॉलम में लिखते हैं? कॉस्ट कॉलम। और जो भी हम ओपनिंग बैलेंस पे डिविडेंड ढूंढेंगे वो हम कौन से कॉलम में लिखेंगे? डिविडेंड कॉलम। अब इसका मैं पोस्टिंग करता हूँ 40,000 एंड 10,000 का। सो लेट अस कम टू द फॉर्मेट। डिसम्बर 31st को डिविडेंड मिल रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स में डैश, डिविडेंड कॉलम में डिविडेंड था 40,000 और कॉस्ट कॉलम में डिविडेंड था 10,000। सो दिस इज द कैलकुलेशन विच वी हैव टू डू इन केस ऑफ डिविडेंड। अगेन आई रिपीट, ओपनिंग बैलेंस वी हैव टू कैलकुलेट डिविडेंड राइट इन द डिविडेंड कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड, एंड ऑन परचेज कैलकुलेट द डिविडेंड राइट इन द कॉस्ट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। ओके, लेट अस मूव फर्दर देन, इट्स द लास्ट पॉइंट नाउ, एंड द लास्ट पॉइंट इज सेल करना। सो सेल देखते हैं क्या है। ही सोल्ड 10,000 शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ ₹5, तो 10,000 का शेयर्स उसने बेच दिया, 10,000 शेयर्स उसने बेचे ₹5 के प्रीमियम में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सिली मिस्टेक होता है। अब सेल रहा तो प्रॉफिट लॉस ढूंढना पड़ेगा। हम पहले दो वर्किंग नोट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद सेल करेंगे। देखो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हम पहले प्रिपेयर करते थे, सेम पॉइंट है, जस्ट यहाँ पे हमने नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम और कॉस्ट का कॉलम बनाया। पहले हम फेस वैल्यू लिखते थे। वी विल स्टार्ट विद द पॉइंट ओपनिंग बैलेंस वॉज 20,000 शेयर्स एंड जिसका कॉस्ट था 1,80,000। ओके, फिर ओपनिंग बैलेंस के बाद हमारा परचेज था, तो एड परचेज, इट्स 5,000 एंड 1,10,000। फिर से एड बोनस शेयर्स थे हमारे, तो एड बोनस 5,000 एंड कॉस्ट वॉज डैश बिकॉज बोनस फ्री में मिला था। नेक्स्ट इज एड राइट शेयर्स कितने थे हमारे? 12,000 और उसका कॉस्ट कितना था? 1,80,000। ओके, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेस डिविडेंड। ये कौन सा डिविडेंड? नंबर ऑफ शेयर्स में डैश, कॉस्ट कॉलम में हमने कितना डिविडेंड लिखा था? 10,000। ये लिखना मत भूलना, बिकॉज ये बहुत सारे बच्चे लिखना भूल जाते हैं और फिर उनका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिविडेंड आपको लेस करना है। जो आपने कॉस्ट कॉलम में डिविडेंड लिखा होगा उसी को हम लेस करेंगे। अब ढूंढेंगे बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस आएगा 42,000 शेयर्स एंड कॉस्ट कॉलम यू आर गोइंग टू गेट अ बैलेंस ऑफ 4,60,000। नेक्स्ट लाइन लेस सेल, तो देख लेते एक बार सेल कितना हुआ है। सो क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो सेल हुआ है 10,000 शेयर्स, तो 10,000 शेयर्स सेल हुए हैं। सो यहां पे लिखता हूं लेस सेल 10,000। क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई जो हमने पहले भी सीखा था, दिस मल्टीप्लाइड बाय 4,60,000 डिवाइडेड बाय 42,000, तो यू विल गेट क्रॉस मल्टीप्लाइड फिगर
and that cross multiplied figure is 109,524. So 109,524 माइनस करोगे तो बैलेंस मिल जाएगा, विल गेट द फाइनल बैलेंस 42,000 माइनस 10,000 इज 32,000 एंड यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 350,476. देन वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस का वर्किंग नोट. तो प्रॉफिट लॉस हमारा देखते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट. तो कॉस्ट कितना है 109,524. सेलिंग प्राइस ध्यान से लिखना है, कितने शेयर्स हमने सेल किए, 10,000 शेयर्स हमने सेल किए मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे भी एक सिली मिस्टेक हो सकता है, 10,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5, 5 रुपए में नहीं बेचा है, फेस वैल्यू कितना है 10 है, प्रीमियम कितना है 5 है, इसका मतलब कितने में सेल किया होगा, 15 में बेचा है, यही इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस 10,000 इंटू 5 कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 हमें करना है, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, सो आवर सेलिंग प्राइस विल बी 1,50,000, सो सेलिंग प्राइस इज मोर, सो वी आर गोइंग टू गेट द डिफरेंस एज प्रॉफिट, और प्रॉफिट आ जाएगा 40476 का प्रॉफिट. चलो अभी पोस्टिंग करेंगे. क्रेडिट साइड फेब्रुवरी 1st का डेट है, बाय बैंक अकाउंट नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हमने सेल किए थे, वी हैव सोल्ड 10,000 शेयर्स, डिविडेंड में डैश, कॉस्ट में क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस लिखना है, कितना था हमारा सेलिंग प्राइस 1,50,000, तो सेलिंग प्राइस आई एम गोइंग टू राइट नाउ 1,50,000. प्रॉफिट था कि लॉस, प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड, सेम डेट आई हैव रिटर्न टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स में डैश, डिविडेंड में डैश, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कॉस्ट कॉलम में हमें लिखना है 40,476 रुपीज. ओके, सो सेल का तो वैरायटी सेम है, उल्टा यहाँ पे काफी इजी है, बिकॉज इन दिस वे, इन दिस कैलकुलेशंस, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग एनी डिविडेंड विद द ट्रांजेक्शन, डिविडेंड इज ओनली कैलकुलेटेड वंस, तो इसलिए डिविडेंड पे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, ओनली कैलकुलेशन आपको अमाउंट के ध्यान रखने. अभी हम इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने का मेथड वही है, सबसे पहले फेस वैल्यू का टोटल करते हैं, तो फेस वैल्यू का टोटल क्या है 42,000, तो फेस वैल्यू का टोटल मैं दोनों साइड लिख रहा हूँ 42,000. That is number of shares. 42,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 32,000. यहाँ पे लिखना है ईयर एंड 31st मार्च, बाय बैलेंस कैरिड डाउन. देन वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट कॉलम टोटल, कॉस्ट का टोटल आता है 5,10,476. सिमिलरली वी विल राइट ईयर 5,10,476. इसमें से आपको क्रेडिट साइड के दोनों पॉइंट माइनस करने हैं, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे भी आ जाएगा 3,50,476. ये दोनों फिगर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं, वी कैन चेक अवर वर्किंग नोट, सो लेट अस चेक द वर्किंग नोट, वी हैव गॉट द सेम आंसर 32,000 एंड 3,50,476, सेम आंसर वी हैव गॉट ओवर हियर, सो दैट मीन्स अवर कैलकुलेशन इज राइट. फर्दर यहाँ पे डैश आ जाएगा, अब क्रेडिट साइड का आपको टोटल करना है, क्रेडिट साइड डिविडेंड वी आर हैविंग ओनली 140,000 एज अ डिविडेंड, सो यहाँ पे भी हम 40,000, यहाँ पे भी 40,000 लिखेंगे, 40,000 में से ये सब कुछ माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करने को कोई अमाउंट ही नहीं है, तो यहाँ पे सेम फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज मार्च 31st टू प्रॉफिट एंड लॉस. सो दैट्स इट, दिस इज द शेयर्स रिलेटेड वैरायटी. शेयर्स रिलेटेड वैरायटी काफी ईजी है, और दो तीन क्वेश्चंस के बाद आपको कंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिविडेंड वी विल कैलकुलेट एज पर द डेट्स गिवन, और मैंने आपको सीक्वेंस यहाँ पे दिया है, इसी सीक्वेंस में हमें जाना है, जैसे पॉइंट्स होंगे उसी सीक्वेंस में वी विल बी पोस्टिंग. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर लेना, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर.